गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल आईटीआई फिटर ऑल के माध्यम से आईटीआई ट्रेड फिटर प्रैक्टिकल बुक नीमी एनएसक्यूएफ लेवल 5 सेमेस्टर 3 जॉब एक्सरसाइज नंबर 3.1.125 जॉब नेम मेक डक्टाइल फिटिंग एंड रेडियस फिटिंग पेज नंबर 19 में जो जॉब है वह कंप्लीट होने के बाद किस प्रकार दिखाई देगा उसी के बारे में बताया जाएगा। ये नीमी बुक फिटर ट्रेड प्रैक्टिकल 3rd सेमेस्टर एनएसक्यूएफ लेवल 5 पेज नंबर 19 एक्सरसाइज नंबर 3.1.125 जॉब नेम मेक डक्टाइल फिटिंग एंड रेडियस फिटिंग। ये हमारा जॉब डक्टाइल फिटिंग एंड रेडियस फिटिंग का पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 जॉब को दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट करते हैं, जैसे 72 mm, 32, 38 mm, 20 mm, 50 mm और 60 डिग्री में दोनों साइड को कंप्लीट करते हैं और रेडियस 10 में इस ग्रुप को कंप्लीट करते हैं। यहाँ 3 mm डायमीटर का 2 रिलीफ होल ड्रिल मशीन की सहायता से कंप्लीट करते हैं। इस जॉब की मोटाई 9 mm में फिनिश किया गया है। इस प्रकार हमारा पार्ट नंबर 1 जॉब पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जॉब को भी दिए गए ड्राइंग के अनुसार कंप्लीट करते हैं, जैसे 72 mm, 72 mm में इस भाग को 48 mm, 48 mm, 38 mm, 38 mm, 20 mm, 20 mm और 60 डिग्री में इस भाग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ भी 3 mm डायमीटर का 2 रिलीफ होल ड्रिल मशीन की सहायता से कंप्लीट करते हैं और रेडियस 10 में इस रेडियस को कंप्लीट करते हैं। पार्ट नंबर 2 जॉब की मोटाई भी 9 mm में फिनिश करते हैं। इस प्रकार हम पार्ट नंबर 2 जॉब को कंप्लीट करते हैं। जब इस भाग को इसमें सेट करते हैं तो इसे हम डक्टाइल फिटिंग कहते हैं और जब इस भाग को इसमें सेट करते हैं तो इसे हम रेडियस फिटिंग कहते हैं। इस प्रकार हमारा जॉब मेक डक्टाइल फिटिंग एंड रेडियस फिटिंग पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।